सब्सक्राइब करें किचन विद रियाना को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, किचन विद रियाना में आपका इस्तकबाल है। आज हम आपको देखिए लस्सी बनाना बताते हैं जो बाज़ार में बनाई जाती है, जो कुल्हड़ों में दी जाती है। ये देखिए, इसके लिए हमने 250 ग्राम करीब दही लिया है और शुगर ले रहे हैं हम अपने हिसाब से, क्योंकि दही हमारा काफ़ी खट्टा है। ये देखें, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा एसेंस, वनीला एसेंस डाल रहे हैं हम। बाकी आप जो भी फ्लेवर डालना चाहें वो आपकी मर्ज़ी। और इसमें डाल रहे हैं हम 1 गिलास करीब दूध और थोड़ी सी बर्फ़, जिसको हमने बर्फ़ को बारीक बारीक कूट लिया है। और इसमें डालेंगे हम कंडेंस मिल्क, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। इसको आप आसानी से घर पर बना सकते हैं, आइसक्रीम वगैरह किसी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हम इसको ग्राइंडर जार में नहीं कर रहे हैं, हम इसको देखिए रही से कर रहे हैं, हाथ से। हाथ का जो घोटा होता है, रही जिसको कहते हैं, जिससे लस्सी घोटी जाती है, ये वो चीज़ है। देखिए, इस तरह से बनाने से थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन बनती बहुत मज़े की है। ये देखिए, बाज़ार में भी इसी तरह से बना कर देते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप बना कर और ये कुल्हड़ों में आप डाल लीजिए। कुल्हड़ भी हमारे देसी वाले हैं, पके हुए नहीं, कच्चे वाले कुल्हड़ हैं ये, इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और इसमें आप डाल दें दूध की मलाई, ये देखें, और ऊपर से जो भी आप डालना चाहें, काजू, पिस्ता, बादाम, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। हम इसमें पिस्ता डाल रहे हैं, चिरौंजी भी डालते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप एक बार इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और मेहमानों के लिए तो बहुत ही लजीज है, बाज़ार से बहुत महंगी आती है। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल किचन विद रिहाना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।